हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। पंचायती राज विभाग बिहार की तरफ से यहां पर एक नया अपडेट आया है, 7/6/19 यानी आज का अपडेट है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी अभी जो है एक और डिस्ट्रिक्ट का है फाइनल मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दोनों जारी कर दिया गया है। और सबसे पहले फ्रेंड्स आपके लिए मैं अपडेट लेकर आ रहा हूँ वीडियो। और फ्रेंड्स आपको जो इसमें साथ में जो है ज्वाइनिंग का भी डेट दे दिया गया है, यानी आपको उस डेट से पहले ज्वाइनिंग करना है, वरना फिर आपको दोबारा जो है ज्वाइनिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को जरूर देखिए और अगर आप देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग इस डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरे हैं वो ज्वाइनिंग कर सके अपना नाम देखकर। जी हाँ फ्रेंड्स, अपना नाम देखिए, आपका नाम किस में है, फाइनल मेरिट लिस्ट में है कि वेटिंग लिस्ट में है, और ज्वाइनिंग का जो डेट है कब है वो बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को देखते रहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है एक और नोटिफिकेशन है कि ज्वाइनिंग में आपको यहाँ पर क्या क्या सर्टिफिकेट लेके जाना है ज्वाइनिंग के समय में, जो कि बिल्कुल अनिवार्य है। अगर वो आप लेके नहीं जाते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। तो सब इसमें हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है हमारा तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए और हम लोग को जो है हौसला बढ़ाइए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके और अगर उसका नाम लिस्ट में है तो वो भी जल्दी से ज्वाइनिंग कर सके। और आप चाहते हैं कि इस तरह के अपडेट आपको सबसे पहले मिले फ़ोन पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारी कोई भी जॉब्स की नोटिफिकेशन और इस तरह की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स दिखाते हैं आपको वो नोटिफिकेशन जो कि आ चुका है, किस डिस्ट्रिक्ट का आया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो है नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आया है अपडेट। मुझे बहुत सारे कमेंट हर वीडियो में रोज़ाना आते हैं कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम लेकर के सर इस डिस्ट्रिक्ट का कब आएगा, इस डिस्ट्रिक्ट कब आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो अगर नहीं आया है, तो आप लोग एक बार बता दूं कि फ्रेंड्स जिस तरह आप परेशान हैं उस तरह मैं भी आप लोगों से ज़्यादा परेशान हूँ। और रोज़ाना जो है मैं हर डिस्ट्रिक्ट को लगभग वेबसाइट को विजिट करते रहता हूँ, ठीक है। और जैसे ही आता है अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से नोटिफिकेशन लेके आता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग बेफिक्र रहिए, जैसे ही जो भी डिस्ट्रिक्ट का नहीं आया अभी तक, जैसे ही आएगा मैं फ्रेंड्स आप लोग के लिए वीडियो जरूर लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन का। तो उसके लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको परेशानी नहीं हो और जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, जैसे ही अपडेट आया आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए दिखाते हैं आपको नालंदा डिस्ट्रिक्ट का जो आया है अपडेट क्या है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिखा रहा है फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एंड अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट, जो कि दिखा रहे हैं यहाँ पर स्टार्ट डेट 7/6/19 यानी आज का अपडेट है। इसको अपलोड किया गया अभी अभी शाम में और डाउनलोड जो है 3 MB का फाइल है, तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं वो फाइल। तो यहाँ देख रहे हैं नालंदा समाहरणालय बिहार शरीफ जिला पंचायत शाखा, पत्रांक देख रहे हैं 767 और दिनांक 6/6/19 यानी कल का ये लेटर है, कल साइन हुआ है और आज इसे अपलोड किया गया वेबसाइट पे। जी हाँ, और इसको देखो यहाँ तकनीकी सहायक और लेखापाल सा आईटी सहायक का जो है अंतिम मेगा सूची और प्रतीक्षा सूची का अपलोड करने के संबंध में। और फ्रेंड्स आप लोगों को पहले हम दिखा दे रहे हैं वो लिस्ट, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि आपको ज्वाइनिंग कब तक करना है और क्या क्या लेके आपको जाना है सर्टिफिकेट, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए, इसकी मत कीजिएगा। तो देख रहे हैं यहाँ फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो है बैठक जो हुआ है वो कल ही हुआ है 6/6/19 को, और उसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या निर्णय लिया गया है, क्या है चलिए आपको दिखाते हैं। और जो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है लिस्ट भी जारी किया गया, देखिए ये है पाला सूची को, थोड़ा आपको दिखाते हैं जूम करके, योग्य अभ्यर्थियों या आवेदकों की अंतिम मेगा सूची। देखिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी का सबसे पहला जो है 84.88 है, जो कि जेबा फिरदौस का है, दूसरा है संजीव तेंदुलकर, तीसरा है अमन वर्मा, इस तरह से आप लोग नाम चेक कर लीजिएगा। इसके बाद है जनरल फीमेल, उसके बाद जो है सेकंड पेज पे एससी का है, फिर एससी फीमेल का है, फिर एबीसी का है, एबीसी फीमेल का है, बीसी का है। ये आपको दिखा रहा है फ्रेंड्स हम तकनीकी सहायक यानी टेक्निकल असिस्टेंट का जो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है, ठीक है। उसके बाद बीसी फीमेल और बीसी फीमेल फॉर बीसी, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट में है आपको तकनीकी सहायक का जो कि वेटिंग लिस्ट में नाम आया है, यहाँ पर देख लीजिए जनरल है, फीमेल है, इस तरह से एबीसी है, एससी है, फीमेल, इस तरह से दिया गया, ठीक है।
उसके बाद जो है सूचिको में फिर है लेखापाल आईटी सहायक के लिए अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन यहाँ पर किया गया है जो कि 97.19 जो है सबसे टॉप पे है, जो कि मनीषा कुमारी है, सेकंड पे है चंदन कुमार, तीसरा पे है अभय कुमार, इस तरह से अपना नाम चेक कर लीजिएगा। ये जनरल मेल में है और जनरल फीमेल में है, एससी में है, फिर एससी फीमेल में है, फिर एसटी में है एक, एबीसी में है, एसी फीमेल में है, बीसी में है, बीसी फीमेल में है और फीमेल और बीसी में है, ठीक है। तो ये रहा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट अकाउंटेंट का। और दूसरा है फ्रेंड्स यहाँ पर अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट, इसमें भी आपको दिया गया है, यानी दोनों पदों के लिए टेक्निकल असिस्टेंट और अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट दोनों के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। तो यहाँ पर आप लोग अपना चेक कर सकते हैं और ये जो पीडीएफ है आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये आप नालंदा का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको आप विजिट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं आप कि अब दिखा रहे हैं आपको क्या क्या लेके जाना है आपको, ठीक है, और यहाँ पर आपको कब तक ज्वाइनिंग करना है। देखिए यहाँ दिखा रहा फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि जिसका के नाम लिस्ट में है फाइनल मेरिट लिस्ट में, कि 10 दिनों के अंदर निम्न प्रमाण पत्र के साथ जिला पंचायत शाखा नालंदा में अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे, यानी कि ये जो लेटर है इशू हुआ है 6 तारीख को और 10 दिन आपको टाइम दिया गया है, यानी 6 और 10 16 जून से पहले जो है आपको ज्वाइनिंग कर लेना है, ठीक है, जिसका भी नाम मेरिट लिस्ट में है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 10 दिन का टाइम दिया गया है उसके अंदर में, उसके बाद ज्वाइन कीजिएगा तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और कहाँ जाना है आपको, नालंदा पंचायत शाखा में करना है। और क्या क्या लेके जाना है सर्टिफिकेट वो बता दो आपको। अगर आप क्लेम किए हैं बीसी एससी एसटी ओबीसी के लिए तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है और निवासी प्रमाण पत्र आपको देना अनिवार्य है सभी के लिए, क्योंकि ये बिहार राज्य के लिए है अगर आप हैं तो। शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मूल प्रति जो आप दिए हैं, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अगर आप टेक्निकल एशियन के लिए भरे हैं तो डिप्लोमा होना चाहिए आपको सिविल में, और अगर आप अकाउंटेंट के लिए भरे हैं तो आपका होना चाहिए अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट बीकॉम का, ठीक है, और शैक्षणिक जो प्रमाण पत्र उसका मूल होना चाहिए प्रति, और सीएस जो आपका जिला है वहाँ से आपको हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्गत किया हुआ जो कि वहाँ का औसैनिक चिकित्सक है सीएस सिविल सर्जन बोलते हैं उसको, और क्रीमी लेयर पत्र होना चाहिए आपको एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 में अगर आपका चयन हुआ है तो, और विवाह में दहेज लेन देन नहीं करने के संबंधी शपथ पत्र, ये भी आपको देना है कि मैं अगर विवाह आपका नहीं हुआ है तो मैं अगर विवाह करूँगा तो दहेज नहीं लूँगा, इसके संबंध में आपको एक देना है शपथ पत्र, ठीक है। और लास्ट है कि प्रथम श्रेणी न्यायिक कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ पत्र की आपके द्वारा नाम बदलकर कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है, आपको ये एक देना है एफिडेविट करके कि आपके द्वारा कोई भी नाम बदलकर शैक्षणिक प्रमाण पत्र हासिल नहीं किया गया, ठीक है, वो आपको बनाना है आपको सिविल कोर्ट से, ये जारी हुआ है आपको जिला पंचायत पदाधिकारी नालंदा की तरफ से, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको 10 दिन के अंदर में ज्वाइनिंग कर लेना है और जो बताया मैंने वो डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है, ठीक है। और ये रहा आपको पूरा डिटेल्स जो मैंने आपको बताया कि पूरा लिस्ट यहाँ पर दिया गया है अकाउंटेंट का, टेक्निकल असिस्टेंट का, और यहाँ पर पूरा सब सूचना दिया गया है कैसे ज्वाइनिंग करना है, क्या लेके आना है और कब तक टाइम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगेगी, और फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले वीडियो लेके आता हूँ, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, जॉब के अपडेट हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, उसके लिए तो एक लाइक बनता है और इसको शेयर भी कीजिए बहुत दबा के, ताकि सभी लोग जान सके और अपना टाइम से पहले ज्वाइनिंग कर सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।